अजय सिंह बिगन सिंह के अपने साल हैं, और तमाम फोटो है मेरे पास जब अजय सिंह और मृणांक शेखर एक साथ हैं, तमाम फोटो है मेरे पास जब चंद्रप्रकाश चौधरी अजय सिंह एक साथ हैं, क्योंकि उनका नाता कांग्रेस से टूट के बीजेपी में चला गया था, और अजय सिंह मृणांक शेखर के साथ उनको प्रमोट कर रहे थे चुनाव में। तो अजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पिता के साथ उन्होंने बरसों तक काम किया, लेकिन करीब एक दशक से वो मेरे घर से उनका कोई नाता नहीं है। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं, जब मेरे पिता विधायक बने तो एक गरीब ने जब मुझे अप्रोच किया कि उसके नाम पर अजय सिंह उसके घर में रह रहे हैं, तो मैंने अजय सिंह का जो ये करतूत था वो सीएम ऑफिस में सूचना देने का काम किया ट्वीट के माध्यम से, और उस व्यक्ति ने जब ट्वीट किया तो सीएम साहब ने रीट्वीट करते हुए बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन को डीसी को कार्रवाई करने के लिए कहा। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने मंदिर आवास का, मंदिर परिसर के आवास का घर को किराया पे चढ़ाया हुआ था, और आप लोग को एक घटना वीडियो फुटेज के माध्यम से मिल जाएगी अगर आप फेसबुक के माध्यम से पूर्व में जाएंगे या मीडिया के माध्यम से, कि उस घर को जब मेरे पिता जीते तो मैंने उस घर को अजय सिंह से मुक्त कराया और मंदिर परिसर को वापस किया। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने सरकारी भवन को कब्जा करके रखा हुआ था, और उस भवन को भी मैंने खड़े होके अजय सिंह से मुक्त कराया वीडियो और सीओ के माध्यम से। तो अगर अजय सिंह मेरे सपोर्टर होते तो मैं अजय सिंह पे इतना कार्रवाई नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अजय सिंह से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सर, जिसने भी इंफॉर्मेशन देने का काम किया उसने पूरी होमवर्क नहीं की, उसने पूरी होमवर्क नहीं की। उसको शायद ये लगा कि अजय सिंह तो राजेंद्र बाबू के करीबी थे तो अनूप सिंह के भी करीबी होंगे, तो यही कारण है कि उसने पूरी होमवर्क नहीं की। दो बड़े व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा और एक विधायक के यहाँ भी छापा पड़ा, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा आप ही रहे। इसको आप लोगों का प्यार है जो मुझे चर्चा में रखता है। अनूप जी, जिस तरह से आपने ये कहा कि जो भी एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, तो आगे क्या आप कोर्ट में जाएंगे, आगे की कार्रवाई क्या, किस तरह से? देखिए, मैं कह रहे हैं कि विषय भूल चुके हैं, क्या देखिए, मैं कोर्ट में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने एक मीडिया एजेंसी पे 50 लाख का मानहानि का केस किया था तेनूघाट कोर्ट में, बकायदा स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख का जमा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब मैं फिर से अपना वाइट मनी का पैसा मानहानि के लिए इस्तेमाल करूं, मैं वो पैसे को घर बनाने में इस्तेमाल कर लूँगा, तो इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हो, लगातार सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो आगे कदम क्या होगा आपकी? आगे कदम ये होगा कि सही पार्टी को मेहनत करके केंद्र में बैठाया जाए, ताकि केंद्रीय एजेंसीज पे जो दबाव पड़ रहे हैं नेताओं के, लीडर्स के, उन दबाव से उन अधिकारियों को हम मुक्त कर सकें। राजेंद्र बाबू के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो आज मेरे साथ हैं गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में, समर्थक के रूप में, उनका हुजूम आपको दिखा, वो हमेशा वहीं पे रहे, चाहे दिन हो या रात हो, उन्होंने छोड़ा नहीं घर को। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी खड़ी रही और पार्टी ने हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट करने का काम किया। जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि जिस व्यक्ति या जिस नेता को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, तो उस दिन शायद कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देना भी बंद कर देगी। मेरी पार्टी मेरे को टिकट देती है, मेरे पिता को सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, मेरा सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, तो ये मेरी पार्टी का विश्वास है हमारे परिवार के प्रति। आज संजोग है और खुशी की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन मेरे परिवार का और उनके परिवार का रिश्ता, जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक भी नहीं थे तब से, और वो बड़े भाई का रोल हमेशा उन्होंने अदा किया है। करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका करीबी हूँ तो सब चीज़ मेरे ऊपर वो निर्भर है। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे को मानते हैं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मेरे को छोटा भाई की तरह मान रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि लोग उसे माने, लोग उसे प्यार करें, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से हटकर
पॉलिटिकल लाइन से हटकर एक व्यक्ति को प्यार दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो हेमंत सोरेन जी का दिल का बड़प्पन आपको देखना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक को इतना प्यार देते हो। निशिकांत दुबे अच्छा। तो बहुत प्यार दे रहे हैं आपको। निशिकांत दुबे जी तो सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले भी दिया है, बताया उन्होंने कि आपका केस ईडी को चला गया है। मैं तो मैं वही नहीं समझ में आता हूँ कि निशिकांत दुबे जी को आईटी वाले भी अंदर से खबर दे देते हैं, वो ट्वीट भी पहले कर देते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है कि मेरा केस ईडी को चला गया है, तो शायद चला गया होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि सेंट्रल एजेंसीज़ को जो इनके जो लीड करने वाले अधिकारी हैं वो सब ऐसी हैं, ये सब एजेंसीज़ को निशिकांत दुबे जी लीड कर रहे हैं। बीजेपी चाहती क्या है? ये अच्छा सवाल है संजय भाई। बीजेपी चाहती है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनको वो नंबर्स चाहिए, जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पर आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए, तो बीजेपी यही चाहती है। ऐसा है कि घबराहट क्यों होगा, मैंने जो तीन अपने सहयोगी विधायकों पे केस किया वो केस के आदेश मुझे कहाँ से मिले? जिस पार्टी का मैं विधायक हूँ, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को टिकट दिया, उस पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने मुझे केस करने के लिए कहा गया तो मैंने किया, मैंने उसकी जानकारी उन्हें दी और जानकारी के बाद उन्होंने बोला आप केस करिए, मैंने केस किया। अगर पार्टी मुझे बोलती कि आप केस मत करिए तो मैं जानकारी देके बैठ जाता, लेकिन मैं पार्टी के द्वारा चुना गया हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट नहीं मुझे मिला गया, मुझे पार्टी के द्वारा चुना गया, तब मुझे टिकट दिया गया, तब जनता के बीच में भेजा, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी का आदेश मैं मानूं, और उस पार्टी के आदेश पर कोई मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगाड़ी जी या राजेश कश्यप जी पर केस नहीं किया, मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया, कोई मेरे कहने पे पार्टी ने थोड़ी सस्पेंड कर दिया, पार्टी ने उन्हें गलत माना, पार्टी ने अपने इंक्वायरी में गलत माना तब उन्हें सस्पेंड किया गया, तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व्ड है, तो मुझे घबराहट नहीं है। दूसरी तरफ कि लोकतंत्र में, राजनीति में जो लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है, तो मुझे चुन के कौन भेजता है? जनता भेजती है। मेरा विरोध कौन करती है? बीजेपी पार्टी वाले लोग करते हैं। मुझे सपोर्ट कौन करता है? बेरमो की जनता और कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसलिए मैं वहाँ पे भी बीजेपी से नहीं घबराता हूँ, क्योंकि मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल पर। मैं कार्यकाल अगर ठीक करूँगा तो मैं अपने पिता की तरह चुन के आते रहूँगा, मैं अगर कार्यकाल गलत करूँगा तो मैं हारूँगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी डर नहीं लगता है।